जब हमें कोई बुरी बात कह दे तो हम बुरे को छोड़ दें, उससे अच्छाई क्या हम ले सकते हैं, उसको हम जीवन में धारण करें। और स्मरण रहे, कोई आपका अपमान तो कर सकता है, आपका अपमानित नहीं कर सकता। अपमान और अपमानित होने में अंतर है। किसी ने आपका अपमान किया, आपको भला बुरा कह के चला गया, अरे उससे जो कहना था कह दिया, चला गया, आप भी बात को छोड़ो। लेकिन वो कह के चला गया और आपने बात पकड़ ली, अब बार बार आप उसको यही सोच रहे, उसने मेरा अपमान किया, चार लोग बैठे थे उनके सामने ऐसे कह दिया, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि देखो इसका। अरे जितना उसने अपमान नहीं किया, उतना आपने अपने आप को अपमानित महसूस करा दिया कि आपका अपमान हुआ है। अरे जितना तो वो कह के भी नहीं गया, वो एक बार कह के चला गया, और आप बार बार हजार बार उसको सोच सोच के स्वयं आप अपने आप को अपमानित करते हैं। किसी ने कुछ कहकर एक छोटी भूल की, किसी ने कुछ कहकर एक छोटी भूल की, लेकिन आपने उसको स्मरण रखकर बड़ी भूल की। आपने उस बुरी बात को स्मरण रख के बहुत बड़ी भूल की। आप अपमान कोई कर गया, छोड़िए उसे, कड़ी भी गोली को चबाया नहीं जाता है, उसे क्या किया जाता है, गटक लिया जाता है। आप कड़ी भी गोली को जितना चबाओगे उतना मुंह कड़वा होगा, लेकिन कड़ी भी गोली है, खाना भी पड़े तो उसको फिर गटक जाओ, हृदय में मत रखो, मुख में मत रखो, मन में मत रखो उस चीज को। कोई अपमान कड़ी भी गोली के समान आपका अपमान कर गया, आप बिसार दो, इसे पी जाओ। और कई बार सही समय पर पिए गए जहरीले घूंट भी आपको अमृत के समान बन जाते हैं। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट भी आपके लिए अमृत के समान बन जाते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को त्याग नहीं सकते, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो कभी कभी सहन कर लेना चाहिए। आज सहनशीलता कम हो गई है, इसलिए व्यक्ति दुखी भी है।